उस तरह से जो आपकी जबान बेजान पड़ी है, उस बेजान पड़ी जबान से आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं हूं मास्टर हिप्नोटिस्ट लक्ष्मण कुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सम्मोहन कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, और यही सम्मोहन की शक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अगर इस्तेमाल करें तो कितना चमत्कार हो सकता है, अपना जीवन कितना खूबसूरत बन सकता है, ये भी आपको पता चलेगा। इस वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट को सम्मोहित किया है और उसके जबान को मैंने बेजान किया है, मतलब सम्मोहन के माध्यम से उसके जबान की सारी शक्तियां निकाल ली है और ऐसे स्थिति में वो चाहकर भी बोल नहीं पा रहा है, अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल पा रहा है। पुराने जमाने में इस तरह के सम्मोहन को वाचा बंदी ऐसा कहा जाता, यानी किसी व्यक्ति के बोलने की क्षमता छीन लेना, इसे कहते थे वाचा बंदी। वाचा मीन्स बात करने की क्षमता और बंदी मीन्स उसको बयान करना, उसको बंद करना, उसकी शक्ति को छीन लेना। तो ये पुराने जमाने में भी किया जाता था और पुराने जमाने में इसको एक जादू की तरह या बुरी शक्ति की तरह समझा जाता था, लेकिन आज सबको पता है कि यह दूसरा तीसरा कुछ नहीं, यह एक सम्मोहन है। अब सम्मोहन अगर हमें सीखना है तो सम्मोहन का ये जो वीडियो है इसको आप ध्यान से निरीक्षण करते हैं और इसमें जो सजेशन दिए जाते हैं, जो सूचनाएं दी जा रही है, उनका निरीक्षण कीजिए। उस व्यक्ति को किस तरह से स्पर्श किया जाता है इसका निरीक्षण कीजिए, और इतना ही नहीं तो उस व्यक्ति पर वो सजेशंस का किस तरह से असर हो रहा है आप उसका भी निरीक्षण कीजिए। सिर्फ निरीक्षण मात्र से भी आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, और इसके बावजूद भी अगर आप अधिक जानना चाहते हैं सम्मोहन के बारे में तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए। हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सम्मोहन सिखाएंगे, जिसमें आता है सेल्फ हिप्नोसिस, डायरेक्ट हिप्नोसिस, इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, स्टेज हिप्नोसिस, और इसके साथ में ही और भी कई सारे अलग अलग टेक्निक्स आते हैं, जिसमें इंस्टेंट हिप्नोसिस टेक्निक्स भी होते हैं, ब्लैक हिप्नोसिस टेक्निक्स भी होते हैं, मेडिटेशन होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, कुंडलिनी जागरण होता है और रेकी भी। तो पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। अब आप इस वीडियो को देखिए। नीचे 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 हर कलर आपको नीला नीला कलर दिखाई दे रहा है, और जैसे नीला कलर दिखाई दे रहा है वैसे वो नीला कलर और बढ़ते जा रहा है, और जैसे नीला कलर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप बेजान पड़ी जगह और बेजान होती जा रही है, आप बेजान पड़े हाथ और बेजान होते जा रहे हैं, और आपका भूला हुआ नाम जो आप भूल चुके हैं, वो भूला हुआ नाम जो भूल चुके हैं, मुश्किल हो रहा है याद करना, जो भूला हुआ नाम तो बोलना मुश्किल हो रहा है। बताइए आपका भूला हुआ नाम, आपके बेजान पर जवान से आपका भूला हुआ नाम वह पूरी तरह भूल चुके हो, तो भूला हुआ नाम बताइए, जो आपका भूला हुआ नाम है बेजान पर जवान से, बेजान पर जवान से आपका भूला हुआ नाम बताइए, और जैसे आप कोशिश करते हो आपकी बेजान जवान और बेजान हो जाती है, बेजान बेजान पूरी तरह लंबी लंबी पड़ी जवान
बेजान पड़ी जवान से आपका भुला हुआ नाम बताइए। बताइए जल्दी बताइए, आपका भुला हुआ नाम जो भूल चुके हो उस बेजान पड़ी जवान से बताने की कोशिश कीजिए। तो बेजान पड़ चुकी है, बेजान पड़ चुकी है आपकी जवान, बेजान हो गई है, उसकी जान चली गई है, क्योंकि आपकी बेजान पड़ी जवान बेजान हो चुकी है, आपके दोनों हाथ बेजान हो गए हैं, ना तो आप कुछ काम कर सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। इस बेजान पड़ी जवान से लोगों से बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो पूरा जीवन आपका जो मुश्किल हो गया है, जिससे आपको दुख हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो क्या कर सकते जब आप तो बेजान पड़ रहे, बेजान हो चुकी है, दोनों हाथ बेजान हो चुके हैं। आपकी जो बेजान हो चुकी जवान है, नीचे और गहरे नींद में, और नीचे और गहरी नींद में सोचिए, जरा सोचिए, आपका भुला हुआ नाम जो ढूंढ रहे हैं, आपकी जो जवान बेजान पड़ी है, उस बेजान जवान से आप बात आपको बात करना मुश्किल हो गया है, दोनों हाथ बेजान पड़े हैं, आप घर जाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे आप घर वालों को, सोचिए, देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, गूंगा बोल रहे हैं आपको, क्या गूंगा है, क्या गूंगे हो, जो आपकी बेजान पड़ी जवान है उसकी वजह से क्या आप गूंगे हो, क्या गूंगे हो, क्या आप गूंगे हो, अरे मैं तो भूल ही गया आपकी तो जवाब दे जानी है, तो बोलना आपके लिए मुश्किल है, आपको इशारे से समझा जो बेजान पड़ी जवान है आपकी, उस बेजान पड़ी जवान से जो बेजान पड़ी आपकी जवान है, उस बेजान पड़ी जवान से आपका जो भुला हुआ नाम है तो भुला हुआ नाम आपको बताना मुश्किल होते जा रहा है। देखिए आपकी ये जो बेजान पड़ी जवान है, आपकी ये जो बेजान पड़ी जवान है, और बेजान पड़ी ये दोनों हाथ है, इन्हें हमें कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो बेजान पड़ी जवान है जिससे आपको जो भुला हुआ नाम बताना मुश्किल हो जाता है, वो भुला हुआ नाम क्या आप बता सकते हो, बेजान पड़ी जबान से आपका भुला हुआ नाम, बेजान पड़ी जबान से आपका भुला हुआ नाम जो पूरी तरह भूल चुके हो, भुला हुआ नाम आपके बेजान पड़ी जबान से क्या आप बता सकते हो, बेजान पड़ी जबान से Mm.
गर्दन हिला के बात मान हम इस बेजान पर जबान से क्या आपका भुला हुआ नाम आप बता सकते हैं? जैसे कि आपके दोनों हाथ जो बेजान पड़े हुए हैं, वैसे जो ये आपकी जबान जो बेजान पड़ी हुई है, उस बेजान पड़ी जबान से हर सांस के साथ क्या हो रहा है? आपकी जो बेजान पड़ी जबान है वो बेजान होती जा रही है। दरवाजा बंद करा और गहरी नींद, नीचे 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 नीचे, जैसे जैसे आप गहरी नींद में जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी आंखें खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। जैसे जैसे आप गहरी नींद में जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी आंखें खुलती जा रही है, और जैसे जैसे आंखें खुल रही है वैसे वैसे और भी नीचे गहरी नींद और गहरी नींद और गहरी नींद। और जो बेजान पड़े आपकी जबान है, जो बेजान पड़े आपकी जबान है, उस बेजान पड़ी जबान से, उस बेजान पड़ी जबान से आपका जो नाम है भुला हुआ नाम लेना मुश्किल होता जा रहा है। उस बेजान पर जबान से आपका भुला हुआ नाम बताने की चेष्टा कीजिए जो मुश्किल हो गया है। जैसे दोनों हाथों की तरह आपकी जो जबान बेजान पड़ी है, दोनों हाथों की तरह जैसे ये दोनों हाथ जो बेजान पड़े हैं, वैसे जो आपकी जबान बेजान पड़ी है, उस बेजान पड़े जबान से आपका भुला हुआ नाम बताने की कोशिश कीजिए। बेजान पड़ी जबान से जो बेजान पड़ती जा रही है, वो बेजान पड़ी जबान से हर कोशिश के साथ आपकी बेजान पड़ी जबान और बेजान होती जा रही है ना। हर कोशिश के साथ जो आपकी बेजान पड़ी जबान है वो और भी बेजान पड़ती जा रही है ना। हर कोशिश के साथ जो आपकी बेजान पड़ी जबान है वो और भी बेजान पड़ती जा रही है ना। हर कोशिश के साथ जो आपकी बेजान पड़ी जबान है और भी बेजान पड़ती जा रही है। बताइए आपकी बेजान पड़ी जबान से आपका नाम बताइए, आपका भुला हुआ नाम जो आप पूरी तरह भूल चुके हो, वो भुला हुआ नाम आपकी बेजान पड़ी जबान से आप बताने की कोशिश कीजिए। जो बेजान पड़ गई दोनों हाथों की तरह, ये जो दोनों हाथ है जो बेजान पड़े है, उस तरह से जो आपकी जबान बेजान पड़ी है, उस बेजान पड़ी जबान से आपका नाम बताइए। हर कोशिश के साथ जो बेजान पड़ती जा रही आपकी जो जबान है, हर कोशिश के साथ आपकी जो बेजान पड़ी जबान है वो पहले से और भी बेजान पड़ती जा रही है। उस बेजान पड़ी जबान से आपका भुला हुआ नाम बताने की चेष्टा कीजिए। बेजान पड़ी जबान, बेजान पड़ी जबान, जिस तरह से आपके ये जो दोनों हाथ है जो बेजान पड़े हैं, उस तरह से जो आपकी हर कोशिश के साथ बेजान पड़ती जा रही जो जबान है, उससे आपका नाम बताने की कोशिश कीजिए। नाकाम कोशिश कीजिए, बेजान पड़ी जबान। कितने साल से आपकी जबान बेजान पड़ी है? आपकी ये जो बेजान पड़ी जबान है वो कितने सालों से बेजान पड़ी है? आपको तो बताना मुश्किल है, आप तो गुम गए हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।